गोरेगांव में भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा किसानों की मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना दिया। इस धरने में बड़ी संख्या में किसान भी शामिल रहे। बीजेपी नेताओं ने किसानों की समस्याओं को लेकर प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। भाजपा नेताओं का कहना है कि प्रदेश सरकार किसानों के साथ छलावा कर रही है। आज यूरिया और धान खरीदी को लेकर हमारा मेन धरना था। इसमें क्या किसानों को यूरिया की दिक्कत आ रही है या सरकार किसानों को समय पर यूरिया नहीं दे पा रही है, जिसके कारण किसानों की फसलें प्रभावित हो रही हैं। हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से कि यूरिया की पर्याप्त मात्रा किसानों को मिले। और दूसरा, धान की जो खरीदी हो रही है, धान की खरीदी भी कम मात्रा में की जा रही है। पिछले वर्ष 18 क्विंटल खरीदी हुई थी प्रति एकड़, इस बार 11 क्विंटल हो रही है। इसकी भी हम लोग मांग करते हैं किसानों की, क्योंकि धान की उपज ज्यादा है तो कम से कम 30 क्विंटल धान खरीदी की, किसानों की धान खरीदी जाए, ये हम लोग सरकार से मांग करते हैं। आज पूरे प्रदेश में मंडल स्तर पर त्रिदिवसीय धरना रखा गया था, क्योंकि प्रदेश में यूरिया की बहुत किल्लत है। आज यूरिया के पीछे बाप बेटों में झगड़ा हो रहा है। यहाँ एक सीहोर में पिताजी ने बाप लड़के को मार दिया है यूरिया के पीछे। तो इस सरकार के विरोध में हम लोग मंडल स्तर पर कमती में यह धरना दिया था। ये सरकार से आग्रह है कि किसानों को यूरिया उपलब्ध कराए। जो धान की खरीदी में गड़बड़ी हो रही है, जो एक नंबर दो नंबर ग्रेड थोड़ी बहुत तो वो चलता है, लेकिन यहाँ वो उसके लिए भी हम लोगों ने यहाँ धरना दिया है। यूरिया के लिए लाठी खा रहा अति परेशान है जी। इससे हम सरकार से मांग करते हैं कि कम से कम किसानों को परेशान ना किया जाए, उनकी फसलों के लिए यूरिया दिया जाए।